के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के पास होगा ना, 1-1.5 महीने तो होंगे ना आपके पास एग्जाम के बाद। ये बात सही है कि सीए में फारिग टाइम नहीं होता आपकी, मैं एग्री कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आर्टिकलशिप और फिर जॉब की हटक, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, रिजल्ट का टेंशन ना ले, रिजल्ट से पहले तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह रिजल्ट की फिर टेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह रिजल्ट से पहले देखो प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले से तैयारी करें तो इंशाल्लाह मसला नहीं बने, जिस तरह आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाद में कोई मसला नहीं होगा। पहले तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं आएगा, इंशाल्लाह मेरे सब्जेक्ट में इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा, जिस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा जी। इजारा, इजारा को अरबी की टर्मिनोलॉजी है ना, इसको कहते हैं लीजिंग, क्लियर जी। अब इजारा दो तरह का है, एक है इजारा और एक है इजारा व इक्तना, ठीक है जी। टर्मिनोलॉजी इजारा, इजारा को इंग्लिश में कहते हैं लीजिंग, और इजारा व इक्तना, ठीक है जी। अब इजारा क्या चीज है? इजारा वो चीज है कि जिसमें जाके आप एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, यही भाई यही बुक के वर्ड्स है ना, यही बुक के वर्ड्स होते हैं ना, इजारा इक्तना और ये। हाँ मैं इसको ना सिंपल, इसको ना मैं आप सिंपल करके आप लोगों को लिख दूंगा, वो आप याद करके लिख ले, कोई मसला नहीं, या उसको समझ के लिख ले, ठीक है ना। मैं इसको सिंपलीफाई करके ना आपको लिख लूंगा, ठीक है जी। इमरान, इन पांच चीजों की मैं आपको सिंपल अपने वर्ड में, सिंपलीफाई वर्ड में, आसान आसान में लिख के ना आपको बता दूंगा, ठीक है जी। कि ये थोड़ा सी अरबी टर्मिनोलॉजी है ना, तो इसी वजह से। अब इजारा क्या चीज है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए आप कोई भी इक्विपमेंट या मशीनरी हायर कर लेते हो, ठीक है, और उसको यूज करते हो, सही है, और यूज करके जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाए, जिस टाइम के लिए आप लोगों ने उसको लीज पे लिया था, आप अपने मालिक को वापस कर लेते हैं इसकी। जी, मैं थोड़ा स्लाइड्स वगैरह शेयर किए ग्रुप में, आप वहां से कर सकते हो, वरना मैं दोबारा कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। यार इसकी बेहतरीन मिसाल आपकी ये रेंट कार वगैरह है, कि आपको अगर गाड़ी की जरूरत होती है तो आप रेंट कार के पास चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल 2-3-1 महीने के लिए आप वो हायर कर लेते हो, और जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट भी दे देते हो और उसको उसकी गाड़ी वापस भी कर लेते हो, सही है जी। तो इसको कहते हैं इजारा, कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आपने एक मशीनरी या इक्विपमेंट हायर कर लिया, ठीक है, और जब वो टाइम पीरियड खत्म हुआ तो आपने उसके असल मालिक को वो चीज वापस कर दी, ठीक है, इसको कहते हैं इजारा, ठीक है जी। जी इजारा में कोई मसला जी, काइंडली इजारा में कोई इश्यू हो तो पूछ लें। एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आप एक चीज हायर कर लेते हो, जब वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट भी दे देते हो, ठीक है, उसके पैसे, जब आपने वो चीज यूज की तो उसके बदले में आपने उसको पैसे देने हैं। जी, इजारा तकरीबन इमरान ये इसी तरह ही है, लेकिन आप उसको वापस करोगे, ठीक है, इसको कहते हैं इजारा। इस तरह देखें, अगर कोई गांव वाला बंदा हो ना, तो वो कुछ टाइम के लिए जमीन गाड़ा कर लेते हैं, ठीक है, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, ठीक है, और उस बंदे को हर साल पैसे देते रहते हैं, क्लियर जी। जब वो 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको वो जमीन वापस कर लेते हैं, जा रहे हैं भाई खुदा ठीक है जी। तो इसको, ठीक अशीर सर जी। है जी, तो इसको कहते हैं इजारा। यार आपने आवाज काइंडली म्यूट कर दिया है, वो यार डिस्टर्बेंस होती। अच्छा, इसमें तो आप वो इक्विपमेंट वापस कर लेते हो इजारा में, लेकिन इजारा व इक्तना, इजारा व इक्तना में वो इक्विपमेंट आप वापस नहीं करते, ये एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आप इजारा कर रहे हैं कि इजारा व इक्तना कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इजारा व इक्तना क्या चीज है कि एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, आप वो मशीनरी वापस नहीं करते, बल्कि आप अपने पास रख लेते हो और उसके बदले में उस असल मालिक को पैसे दे देते हो, इसको कहते हैं इजारा व इक्तना। जी, वही जा रहा है जी।
मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ, इजारा इक्तना की। हैदर मैं आपको, आपने ना बैंक से गाड़ी लीज पे ले ली, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपको गाड़ी की जरूरत है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। आप बैंक के पास गए, फॉर एग्जांपल सिल्क बैंक ले लिया, एक्स वाई जेड जो कार फाइनेंसिंग करते हैं, सही। आपने उससे कहा कि मुझे कार लीज पे दे, तो उसने कहा चलो ठीक है। मैं इजारा इक्तना की बात कर रहा हूँ, इजारा तो क्लियर है ना, मैं आप इजारा इक्तना का एग्जांपल दे रहा हूँ। बैंक ने आपको गाड़ी दे दी और उसने बैंक ने आपसे कहा भी कि टाइटल या ऑनरशिप आपको तब ट्रांसफर होगी जब आप सारे इंस्टॉलमेंट पे कर लेंगे, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट बढ़ते जाते हैं, एट द एंड क्या होता है, जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट दे देते हैं तो बैंक क्या कर लेते हैं, बैंक आपको टाइटल या ऑनरशिप ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर गाड़ी आपकी अपनी मिल्कियत हो जाती है। इसको कहते हैं इजारा व इक्तना, कि एट द एंड ऑफ द एक्सपायर पीरियड, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, ठीक है, जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है और आप उनको सारी पेमेंट कर देते हो, तो वो फिर आपको टाइटल या ऑनरशिप ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको कहते हैं इजारा व इक्तना। क्लियर है जी? अब जी इजारा व इजारा इक्तना में कोई कंफ्यूजन है इधर, सारे भी कंफर्म कर दें। अगर सिर्फ इजारा हुआ ना, सिर्फ इजारा, तो फिर आपने मशीनरी वापस करनी होगी, लेकिन अगर इजारा व इक्तना है तो फिर मशीनरी वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ इजारा हुआ, इसको कहते हैं इंशाल्लाह जब आप लोग जाओगे KF7 में है आप लोगों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर, और CF1 में तो आप पढ़ोगे लीजेस एक्सटेंडेड है आपका IFRS 16 लीज के नाम से। उधर दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक को कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, एक को कहते हैं फाइनेंस लीज। जो इजारा है ना, इजारा को कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म आपने वो एसेट वापस करना होगा असल मालिक को। लेकिन इसको कहते हैं फाइनेंशियल लीज, इजारा व्यक्तना को कहते हैं फाइनेंशियल लीज, कि आप फिर वो एसेट वापस ना करें, आप सारी पेमेंट कर दें और एट द एंड आप मशीनरी अपने पास रख दें। ये एग्रीमेंट में लिखा होगा। फिर इंशाल्लाह जब आप IFRS 16 पढ़ेंगे तो ये चीजें फिर आप की मजीद खुल जाएंगी। अब तकरीबन इसी तरह आपने 10 सालों के लिए किसी से घर ले लिया, 10 सालों के लिए कि मैं 10 सालों के लिए आपका घर यूज करूंगा और आपको रेंट बढ़ता जाऊंगा, लेकिन जब 10 साल खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको आपका घर वापस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मालिक आपको ये इख्तियार दे दे, एग्रीमेंट में लिखा होगा मुस्कान, कि आप मुझसे घर फिर ले भी सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको ये इख्तियार भी दूंगी, जब ये लीज टर्म एक्सपायर हो जाए आप मुझसे ये घर फिर ले भी सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो अगर आप घर, आपके पास घर लेने की ऑप्शन है या आप घर ले भी लेते हैं तो इसको कहते हैं इजारा व इक्तना। अगर आप घर नहीं लेते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 10 साल बाद आपने घर खाली करना होगा, तो इसको कहते हैं इजारा। अब क्लियर है मुस्कान? जी जी, मुराबे हमें भी इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, लेकिन वो इस तरह है ना कि देखो दो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स है ना, कि वो उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है मुराबिहा की, ठीक है, वो एट द स्टार्ट आपको वो ट्रांसफर कर देता है, फॉर एग्जांपल टाइटल ट्रांसफर कर लेता है, और उसने कहा कि यार आपने ना मुझे 25% एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है, मुराबिहा में भी इंस्टॉलमेंट है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। अगर आप मुराबिहा की टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे ना और इजारा की, तो आपको दोनों मुख्तलिफ मिलेगी। तो सुबह तो नहीं है, 8:30 है जी, 5 बजे सुबह की नमाज होती है, तकरीबन 5:30 तक सूरज निकलता है, तो दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो सुबह सुबह उठते हैं जी। जी आदत है, अब काइंडली चेंज करते जाए ना आदत है। ये तो ये था आपका पहला चैप्टर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो गए। आप सही है, अब कोई मसला हो तो भाई पूछ लो, अदरवाइज हम पास पेपर की तरफ चलते हैं फिर। ईशा बस 1-2 मिनट लो।
जी शाबाश, इस पे सवाल भी कर लेते हैं। शरीयत आप पढ़, इसमें कुछ भी नहीं है अब कि किस तरह पैसे बनाने हैं। सूद, वही बातें कि सूद इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। वी शुड बी ओनली बी जनरेटेड इस्लामिक तरीकों से, वो जनरेट कर लो, ठीक है ना, हलाल तरीकों से। वो वही बातें जो हमने उसके फ्यूचर में पढ़े, तो ये एक दफा आप पढ़ लो, इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। जी ठीक है इमरान, तो वही बातें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। ये बच्चे कम हो रहे हैं क्या, मतलब क्लासेज में नहीं आते। जी, देखिए सलमान, अगर सिर्फ इजारा है ना, इजारा अगर एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि जब लीज टर्म एक्सपायर हो जाएगा तो आपने गाड़ी वापस करनी है। देखो इजारा में, अगर इजारा में ये लिखा होगा, एग्रीमेंट में एग्रीमेंट होगा ना प्रॉपर, ठीक है। अगर आपने कार लीज पे ली है और एग्रीमेंट में लिखा होगा कि 10 साल बाद आपने ना कार वापस करनी है, ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप इसको खरीद लें मुझसे, मालिक ने ये कहा, एग्रीमेंट में लिख लिया, तो इस वो फिर इजारा की डिफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर लीज, अगर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि नहीं, लीज टर्म के बाद आप मुझसे ये गाड़ी ले भी सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना, तो इसको फिर हम इजारा व इक्तना कहेंगे। ये चीजें एग्रीमेंट में लिखी होंगी। जी अब क्लियर है जी, अगर आप क्लियर हैं, अगर एग्रीमेंट में ये होगा कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा, आप मुझसे ये गाड़ी ले सकते हैं, तो फिर इजारा व इक्तना। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है खरीदने की, तो फिर इजारा। जी अजहर कंफर्म कर ले यार। अब क्लियर है जी यहां तक, आगे पास पेपर। जी, इजारा में सिर्फ हम लीज पे ले लेते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट में ये लिखा होगा ना कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, हम ना मैं गाड़ी आपसे फिर खरीद भी लूंगा, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन हो, तो फिर इजारा और इक्तना होगा। और अगर आप सिर्फ लीज पेमेंट करते जाए, टाइम एक्सपायर हुआ, आपने फिर गाड़ी वापस कर दी, तो बस सिर्फ इजारा। जी, ठीक है ठीक है जी। अब पास पेपर की तरफ जाएं फिर, पास पेपर की तरफ, पास पेपर भी कर लेते हैं ना। ये कायनात, ये पढ़ लेंगे ग्रोथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा टॉपिक है इंशाल्लाह, ये ऊपर पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में। अब इधर उसने वैसी दे दिया है, टर्मिनोलॉजी है ना, आप एक नजर पढ़ लो, पढ़ ठीक है ना, इंशाल्लाह ये डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी छोड़ा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह, ये हम उधर पढ़ेंगे विद पास पेपर इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। जी चाहिए, यहां तक तो हमने पास पेपर किए थे ना, यहां तक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो सवाल आया केफ 2 स्प्रिंग 2010 में,
Briefly explain the laissez-faire economy. देखो दो नंबर का सवाल है, laissez-faire कैसे कहते हैं? मैंने आपसे क्या कहा था उस दिन कि फ्री मार्केट इकोनॉमी को laissez-faire economy भी कहते हैं. Laissez-faire, आपने इसका जवाब इस तरह देना कि laissez-faire economy means an economy when there is no government intervention and all the economic decisions are taken by individuals. ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने लिखने, उसके जो एक दो फीचर है वो आप लिख लो ना, तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा. सो laissez-faire economy या फ्री मार्केट economy वो इकोनॉमी सिस्टम होता है जिसमें नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक क्वेश्चन क्या थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जितने भी इकोनॉमिक क्वेश्चन है वो सब के सब इंडिविजुअल ने लेने होते हैं, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. जी, जिधर हेडिंग की जरूरत होगी मुस्कान उधर हम हेडिंग देंगे, जिधर जरूरत नहीं होगी. अब दो मार्क्स में हम क्या हेडिंग दें, आप हेडिंग में दे दो laissez-faire economy. ठीक है, इंशाल्लाह जब हमारे फिजिकल क्लास शुरू हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी फिर इंशाल्लाह बताऊंगा. ठीक है जी, बिल्कुल हेडिंग देनी होती है, इकोनॉमिक्स में हेडिंग जरूरी है. इंशाल्लाह करेंगे फास्ट पेपर फिजिकली, जब हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह उधर आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो दो नंबर का सवाल है. देखें, दो आपने एक एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स होते हैं आपके पास, एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स. तो अगर आप दो को मल्टीप्लाई करें 1.8 से, तकरीबन ये 3 या 4 मिनट्स बनते हैं. तो 3 या 4 मिनट्स आपने इस सवाल को देने होंगे, इससे आगे आपने टाइम जाया नहीं करना इस सवाल पे. ठीक है, 4 मिनट्स आप लोगों ने देने होंगे. तो laissez-faire economy आपने बताने के, laissez-faire economy वो इकोनॉमी होती है जिसमें नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है और ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय इंडिविजुअल ओनरशिप. ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, सब इकोनॉमिक डिसीजन इंडिविजुअल ने खुद लेनी होती है, जो हमने पढ़ा था. कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो वो किस तरह का सवाल पूछ रहा है आपसे. जी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सिस्टम? मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक सिस्टम, ये 1999 में तकरीबन 20 साल पहले आया था, उस टाइम इस तरह के सवाल आते थे. ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपसे कहा था कि वो एक्टिविटीज जिसके जरिए से हमने चीजों को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं. तो ये 20 साल पहले ये सवाल आया था, अब इस तरह के सवाल मुनीर पूछ सकते. जी, मार्केट मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, इसको आप छोड़ दें. मार्केट मैकेनिज्म मैंने आपसे उस दिन कहा था कि जब डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होती है, तो इंशाल्लाह जब हम चैप्टर 4 करेंगे तो इधर फिर ये सवाल कर लेंगे. अब ये, हाउ डज द मार्केट इकोनॉमी फंक्शन? मार्केट इकोनॉमी क्या हो, क्या किस तरह काम करती है? अब पहले तो ये समझने कि मार्केट इकोनॉमी है क्या चीज. मार्केट इकोनॉमी, laissez-faire economy, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये किस तरह काम करती है? दो नंबर का सवाल 2013 में आया था कि मार्केट इकोनॉमी काम करती है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती. ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस उसने लेनी होती है इंडिविजुअल ने, कंज्यूमर की चॉइस होती है, कंज्यूमर की सॉवरेनिटी होती है. तो मार्केट इकोनॉमी इस तरह काम करती है, वही उसके फंक्शंस. Enumerates the merit and demerit of market economy. ये तो आपकी किताब में है. Market economy के merits और demerits आपकी किताब में है कि नहीं? 10 नंबर का सवाल. नहीं, ये कितने मार्क्स का है? ये 2008 में 10, तकरीबन 10 मार्क्स का है. जी, markets economy merits और demerits market economy के clear है कि नहीं? ये सवाल भी उसने पूछा है. Kindly तो किताब अपने सामने रख ले और फिर इसको खैर सॉल्व करते जाएं. ठीक है, सवाल क्लियर है ना कि किस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं आपसे? समझ आ रही कि नहीं? स्टेट एनी फॉर डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लैंड इकोनॉमी, 4 नंबर उसने पूछे आपसे. स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने सवाल पूछा कि प्लैंड इकोनॉमी क्या होती है. प्लैंड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीशन गवर्नमेंट ने लेनी होती है. ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? प्लैंड इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से? तो वो आपकी किताब में उसने स्टेट दिया और उसने कहा स्टेट 4. तो अगर आप किताब में ज्यादा भी दिए हो ना, तो काइंडली आपने 4 ही लिखने हैं. जो 4 आपको आते हो ना, जो 4, तो काइंडली उसको आप लिख लें. 4 मार्क्स का सवाल है तो 4 ही, उसने आपसे 4 ही मांगे. अगर उसने आपसे 5 मांगे होते ना, तो आप 5 लिख लें. अगर उसने आपसे 3 मांगे तो 3 लिख लेते. अगर उसने मुझसे ये स्पेसिफाई ना किया होता, तो फिर मैं 5 ही लिख लेता, कोई मसला नहीं. ठीक है जी, तो
अगर उसने चार मांगे हैं तो कान में और इफिशियंसी शो ना करे, बस फिर चार ही लिख ले जो आपको सही सही आते हो, बस वो चार लिख ले। क्लियर है ना ये सवाल? एनोमरेट द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी एंड प्लैंड इकोनॉमी। देखो 10 नंबर का सवाल, उसने आपसे पूछा कि सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स, मार्केट इकोनॉमी करेक्टरिस्टिक्स लिख ले और प्लैंड इकोनॉमी के करेक्टरिस्टिक्स लिख ले। ठीक है, तो 10 नंबर का सवाल बस इसके करेक्टरिस्टिक्स लिख ले मार्केट इकोनॉमी के और प्लैंड इकोनॉमी के। प्लैंड इकोनॉमी की भी चार है, तकरीबन इसकी भी चार है। ठीक है, हाँ फीचर्स, देखो मैंने आपसे कहा था फीचर्स भी कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ठीक है, बस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चार, मार्केट इकोनॉमी के करेक्टरिस्टिक्स और प्लैंड इकोनॉमी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब उसने करेक्टरिस्टिक कहा तो आप ऊपर हेडिंग दे दे करेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट इकोनॉमी और इसके नीचे वो चार लिख ले, फिर आप लिख ले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैंड इकोनॉमी और उसके जितने हो वो लिख ले आप। अब क्लियर है इधर? जी कंफर्म कर दे, क्वेश्चंस में मसले हैं तो काइंडली पूछे। अब वो किस तरह का सवाल पूछे जो हमने पढ़ा है? डिफिनेशन लिखने लिख लेना, उसने आपसे फीचर्स पूछे है ना, तो बस वो फीचर लिख ले, वो फीचर तकरीबन वही डिफिनेशन है ना। जब उसने आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा तो फिर आप लोग डिफाइन क्यों है? आप फीचर लिख ले, आप हेडिंग लिख ले ऊपर फीचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, एक लिख ली छोड़कर, आप फिर उसके फीचर्स लिख ले 1 2 3 4। ठीक है, फिर आप अगले पेज पे चले जाएं, फिर आप उधर लिख ले फीचर ऑफ प्लैंड इकोनॉमी और फिर उसके फीचर नीचे लिख ले। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, जो उसने नहीं मांगा वो आप क्यों लिख रहे हो भाई, उस पर अपनी एनर्जी और टाइम क्यों जाया कर रहे हो? अब क्लियर है इमरान? तो देखो जो हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टेस्टिंग भी हो रही है, सही है। नेक्स्ट इकोनॉमी, देखो ये पूरा सवाल उसने दिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी, वो आपको बता रहा है ना कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउ इट इज आर्ग्यूड दैट इट इज रिजल्ट। देखो पहले उसने आपसे पूरा किस्सा सुनाया, फिर आया वो सवाल पे कि इन द लाइट ऑफ द एबो एक्सप्लेन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। उसने पूरा किस्सा, ऊपर एक किस्सा सुनाया कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउ, लेकिन इस पर तनकीद भी की गई है, तो क्या है मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में हुकूमत क्या रोल अदा करते हैं? तो उस दिन हम, मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम वेजेस को डिसाइड करना, क्वालिटी ऑफ गुड्स को डिसाइड करना, प्राइस को कंट्रोल करना, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कहा ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो देखो 6 मार्च के लिए उसने 2016 में पूछा था और 2018 में भी उसने पूछा है अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हुकूमत क्या रोल अदा करती है, इंपॉर्टेंट सवाल। अब क्लियर है जी? सारे कन्फर्म कर दें, कुछ याद आ रहा है कि नहीं चीजें? मैंने आपसे कहा था मिक्स इकोनॉमी में हुकूमत क्या रोल अदा करती हूँ। ठीक है जी, जी आप देखें, उसने इन द व्यू ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ मींस एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स, ये देखो ये स्कार्सिटी ऑफ मींस का मतलब ये कि लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स का मतलब ये कि अनलिमिटेड वांट्स, ये एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ मींस का मतलब कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स का मतलब ये कि वांट्स आर अनलिमिटेड। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइज इन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब प्रॉब्लम ये कि हमने अपने रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करने के मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने। अभी तक उसने सवाल नहीं पूछा, अब आगे वो सवाल पूछ रहे आपसे। ब्रीफली डिस्कस हाउ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम टू ऑप्टिमाइज देयर रिसोर्सेज। अब वो उसने आपसे पूछा 6 नंबर का सवाल। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है यूरोपियन, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, सो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है भाई? फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लैंड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर आपने बताना है सवाल जवाब में कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्लैंड इकोनॉमी में क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी में। लेकिन याद रख के नंबर है 6, 6 मार्क्स का सवाल है, तो 6 मार्क्स मीन्स तकरीबन 10 मिनट इस पे लगने चाहिए, 10 मिनट से ज्यादा। आपने अपने जवाब को 10 मिनट तक महदूद रखना है। ठीक है, कि आप अपने जवाब को 10 मिनट में दे, 10 या 11 मिनट में मैक्सिमम। ठीक है, फिर अगले सवाल की तरफ आप जाएंगे। चलिए लॉन्ग,
तो भाई लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन उसने इतना नहीं पूछा कि आपने पेजेस के पेजेस भरने हैं, उसने मार्क्स दिए 6, तो आप सिर्फ सिंपल लिख लो ना कि देयर आर 3 इकोनॉमिक सिस्टम, प्लैंड इकोनॉमी, फ्री मार्केटिंग। देखो आपने, ये तो सीए की खूबसूरती है ना कि वो आपसे टाइम मैनेजमेंट स्किल भी हो चाहते हैं ना आपसे। अब देखो आपने सवाल को हेदर थोड़ा सा स्क्रूटनाइज कर लो ना कि यार आप लिख लो आंसर, सर देयर आर 3 इकोनॉमिक सिस्टम, प्लैंड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर आप बताओ कि सर इन प्लैंड इकोनॉमी ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, एंड देयर इज नो इंडिविजुअल ओनरशिप, 2-3 लकीरों में लिख लो। फिर आप बताओ सर फ्री मार्केट इकोनॉमी में सर सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, वो सारे वो खुद लेते हैं और कंज्यूमर की चॉइस होती है, 2-3 बातें ये लिख लो। और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में सर के दोनों की कम्बिनेशन होती है लेकिन गवर्नमेंट भी रोल अदा कर लेते हैं। तो फिर उसको हर पॉइंट्स को 4-5 लकीरों में एक्सप्लेन कर लो, तो 6 मार्क्स आपके जेब में। तो इस तरह नहीं कि आप पेजेस के पेजेस भरते जाए अपनी रिसर्च लिखते जाए, नहीं नहीं नहीं, मार्क्स को देखना होगा भाई, मार्क्स को। अगर ये सवाल 15-20 मार्क्स के लिए होता ना तो फिर मैं 5-6 पेजेस लिख लेता। समझ आ रही ना हैदर? तो ये टेक्निक्स होगी, इंशाल्लाह ये साथ साथ हम करते जाएंगे। एक दफा हमारी फिजिकल क्लास शुरू हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह हम करते जाएंगे, इंशाल्लाह थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करते जाए ताकि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो, ड्राफ्टिंग स्किल्स। अब सबको समझ आ रही है कि नहीं? With the reference to experience of Pakistan, discuss the merits and demerits of mixed economy. Mixed economy के merits और demerits उसने आपसे पूछे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर भी हम कर चुके हैं। Briefly describe any 4 core features of Islamic economic system. कि Islamic economic system के core features 4 बताओ, ठीक है? तो आप लोगों ने 4 ही बताने हैं, ठीक है? कि Allah is the sustainer, revised prohibited in Islam, zakat और risk सारी चीजें। Briefly discuss the important features of Islamic economic system. दोबारा उसने सवाल पूछा। इस दफा उसने 8 मार्क्स का पूछा, एक दफा उसने 4 मार्क्स का, तो आपने 4 लिखने थे, फिर 8 का पूछा तो आपने फिर 8 या 7 लिखने हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन जी? जी पूछे शाबाश। तो ये था आपका चैप्टर 1, ठीक है? इंशाल्लाह कल चैप्टर 2 शुरू करेंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछे यार, ऐसे इंडिविजुअली पूछे, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलता जाएगा। लेकिन यार काइंडली आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह फिर कल कब लगाते हैं चैप्टर 2 के साथ। जी पूछे, अगर कोई सवाल हो तो पूछ ले, 2 मिनट है शाबाश।